यूपी टीजीडी जो मैथमेटिक्स का बुक हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड किया गया, उसका क्वेश्चन नंबर है 15, और सॉरी प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में देखें, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डायरेक्ट भी लगे हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड आया हुआ है, बहुत जल्दी में आया था, टीजीडी 2010 में आया था, और 6 से 5 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 7 8 डायरेक्टली इनको आंसर से ही बता देना है, क्वेश्चन नंबर उसी क्रम में 10 है, ठीक है। इनको डायरेक्ट तैयार करना है, हो जाए कुछ सॉल्विंग करने वाले हैं, फिर भी हम सॉल्यूशन भी इनका करके ला रहे हैं पीछे से, ठीक है। सॉल्यूशन वीडियोस भी बहुत जल्दी इसके आने वाले हैं, और लामिस थ्योरम का है क्वेश्चन नंबर 21, ये याद होना चाहिए डायरेक्टली, और क्वेश्चन नंबर 23 का सी आएगा, और 24 का बी, 24 का सी, ठीक है। आगे चलते हैं, 25 का बी है, और 26 काची सिक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड अबव, या मोनोटोनिक या बाउंडेड बाउंडेड बिलो अबव, काची सिक्वेंस इज बाउंडेड, बाउंडेड डी आएगा, और 27 कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, इसका कन्वर्जेंट आता है, ये भी आंसर लगना भूल गए हैं, 27 का ये आएगा, 28 का बी, 29 का 29 का सी, एंड 30 का बी, एंड 31 का बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, द नंबर्स ऑफ टर्म एक्सपेंड बाइनोमल इतना इज एन इवन, अगर इवन नंबर है तो ओनली वन मिडिल टर्म होता है, टू टू मिडिल टर्म उसके होते हैं, इसका आंसर बी आएगा, और 33, 33 का डी है, 34, अरे ये भी रह गया क्या, जी पी का है, T4 T6 का अनुपात दिया, T2 T5 भी होगी इतना है, तो T1 फाइंड करना, T4 यानी AR की पावर 3 और T6 AR की पावर 5 इक्वल टू 1/4 है, तो यहाँ से R निकल आएगा, एंड T2 प्लस T5 इतना है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ इन दो इक्वेशन बनेंगी, A एंड R निकल आएगा, फिर उसके बाद T1 यानी A, T1 क्या होगा, A, T2 AR होगा, TA फाइंडिंग करना है, निकाल लिया जाएगा, तो मेरा लग रहा है मुझसे सॉल्यूशन करना भूल गए हैं, 35 का डी है, एंड 36 का ए, 37 का सी, 38 का सी है, ठीक है, लगा सकते हैं, और 39 डस नॉट एग्जिस्ट, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, 40 का डी, 41 का सी, एंड 42 का सी, 43 का ए, 44 का बी, 45 का बी, ठीक है, और ये भी रीजन ऑफ एरिया बाउंडेड फाइंडिंग करना, बहुत आसान था क्वेश्चन से, एक्स वाई पहले फाइंडिंग निकालेंगे, एरिया बाउंडेड बाई 1 - बाई 2, उनकी लिमिट चढ़ा दिया जाएगी, आंसर आ जाएगा। 46, 47 उसी क्रम में चलते हैं, 47 का ए, 48 का बी, एंड 49, 49 सोल्व करना बहुत आसान, बढ़िया क्वेश्चन है, 50 का ए है, 51 का ए, 52 का बी, एंड 53 का बी। तो आगे बढ़ते हैं, 54, 54, 240, ठीक है, उसमें आया ये क्वेश्चन किसमें, TGD 9 में, एंड 55 का बी, 56 का बी, 57 का बी, 58 का सी, और डाइस वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 59 लगा के, 60 का ए, 61 का, 61 का बी, 62 का डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट आसान से हो जाएगा, 63 का सी, 64 का ए, 65 का ए, और 66 का बी, 67 का एफ सिग्मा एफ एक्स बाई एन लगा लेना है, और सिग्मा एफ एक्स बाई एन यानी कि एक्स बार मीन होगा, मीन का वैल्यू दे रखा है 2.6, तो के का मान निकल आएगा, ठीक है। उसी क्रम में अगला वाला है, ये एंगल निकालना है, पाई बाई 6 या पाई बाई 4 या पाई बाई 2 होगा, ये बाई बाई लिख रहा है, ये करेक्शन है, ठीक है, तो ये गलत छापा है, और इसमें फॉर्मेट हम अप्लाई करेंगे, ए क्रॉस बी यानी कि ए बी साइन थीटा, और 3 और ये अगर ए बी कॉस थीटा, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, 10 थीटा इक्वल टू 3, और थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 3, यहाँ जो गलतियाँ हैं वो ये हैं, 10 इनवर्स 3, तो
टेन इनवर्स थ्री इसका आंसर बना देंगे 69। 69 का उसी क्रम में डी ऑप्शन से एंड 70 का बी। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन ये रखा हुआ है, सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ए डॉट बी, ए प्लस बी का मोड फाइंड करना है। मेरा तो आइडिया लगभग 40 इसका आंसर आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा पहले हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी ट्राई करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। 72 का सी। 73, 73 में रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ सर्किल, यानी कि ये वैल्यूज निकालना है, एक सर्किल शो करता है। तो ए बराबर बी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू ए वाई प्लस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए बी तो बराबर दिख रहा है, सर्किल है तो ट्रायंगल भी जीरो होना चाहिए। एंड तो ट्रायंगल का मान इसमें निकालेंगे, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर जीरो। तो वहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मान फाइंडिंग करना वो अपने आप में बनाएगा। टू एफ बाई प्लस एफ लिखा है, वो एफ नहीं, यहाँ पे के होगा, एक चीज़ होगा, या तो के है या एफ है। ठीक है, तो के का वैल्यू फाइंडिंग निकल आएगा। 74 का ट्राइंगल बराबर जीरो करेंगे, ए बराबर बी तो है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ट्राइंगल बराबर जीरो, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा होगा, जनरली लोग जानते ही होंगे, ट्राइंगल ए बी सी माइनस का टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का रूट जीरो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट लगाएंगे तो अपने आपने कहा। 74 का ए है, 75 का मुझको लग रहा है टच का एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वाई इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे भी वाई इक्वल टू जीरो रख के एक्स के टर्म में इसमें वैल्यू बना ली जाएगी और तो सी का मान कहीं ना कहीं निकल आता है, यानी कि कोई सर्किल से और एक्स को टच कर रहा है तो इस तरह से रहा होगा, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो उसका जो सेंटर होगा और एक्स एक्स पे वाई इक्वल टू जीरो, तो इसकी रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगी, यानी रेडियस इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कर देंगे तो अपने आप सेट हो जाएगा कहीं ना कहीं को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 का डी है, 77 का डी। आगे बढ़ते हैं, 78 का ए और 79 का सी और 80 का बी, 81 का बी और 82 का सी, उसी क्रम में चलते हैं। 83 का बी है, 84 का सी है, 85 का ए, 86 का ए, 87 का ए बी, 88 डी, 88 के बाद 89 होना चाहिए, 87 कौन सा आ गया और 90 का बी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 91 का बी, आगे चलते हैं, 92 का बी, 93 का ए, 94 का ए, 95 का बी, 96 याद ही करना, 97 का सी, 98 का बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 99 का बी था और 100 का बी, 101 का बी, 102 का बी, 103 सोल्विंग करना, 104 ये डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन, 105 का देख सकते हैं, जैसे 105 का सी है, ये सी आना चाहिए। ये क्या लिख दिया है, क्या बताएं, समझ नहीं आता क्या क्या टाइप कर डाले हैं। और 106 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद करने वाला है। 107 आ चुका है एग्ज़ाम में, है ना, मोड ऑफ एक्स लेस देन टू जीरो तो आएगा माइनस वन। उसी क्रम में 108, 109, 110, 111 ये डायरेक्ट लगाने वाले क्वेश्चन हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 116 तक हैं इस पेज में, अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 बच्चे, मतलब इनको सोल्विंग करना है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, मैं से हलों की संख्या